भी आप सभी का मैं स्वागत कर दूं। बढ़िया वाला आ जाओ। तो 8 बज चुके हैं और कैच द मैथ आज हमको पढ़ाने वाले हैं, डेली पढ़ाते हैं। और आपका 50वां सेशन आज होने वाला है। अर्धशतक हमने कर दिया, पता ही नहीं चला, लेकिन कोई बात नहीं, ये अभी और शतक में तब्दील होगा और बहुत सारी चीजें होंगी। बस पढ़ते जाइए और पेपर में क्वेश्चन आते जाएंगे, सिलेक्शन लेकर सेट हो जाइए। ठीक है, धमाका सेशन होगा। साथ के साथ आप अगर मेरे फाउंडेशन बैच से जुड़ना चाहते हैं तो चाहिए नहीं, जुड़िए और एक बेहतरीन कंटेंट पढ़िए जो आपके भविष्य के लिए बहुत काम आने वाला है आपके एग्जाम्स में। फाउंडेशन कोर्स ऑफ मैथ स्टार्ट हो चुका है और चल रहा है। आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसकी सॉलिड तैयारी करना चाहते हो, डिटेल में पढ़ना चाहते हो, एक एक चीज को अच्छे से नापना चाहते हो, तो ज्वाइन करो फाउंडेशन कोर्स। और इस मंथ आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा जो कि 5 बजे मेरा अन अकेडमी पर चलता है। साथ के साथ 6:30 बजे SSC CHSL का बैच चलता है, तो वो केवल और केवल डेडिकेटेडली SSC CHSL के लिए है। आपको क्या करना है, अन अकेडमी लर्निंग ऐप पर जाना है, SSC एग्जाम्स में आपको जाना है, उसके बाद में आपको गेट सब्सक्रिप्शन पर जाना है, उसके बाद आपको 12 और 24 महीने का बैच लेना है और साहिल 10 एज ए रेफरल कोड लगा देना है। जैसे साहिल 10 लगाओगे डिस्काउंट मिलेगा और बाकी सारी सब्जेक्ट आपको मिलेंगी, जो भी सब्जेक्ट पढ़नी है वो सब इसी फीस में मिलने वाली है। अन्य किसी कैटेगरी में कोई कोर्स लेना चाहते हो तो भी आपको साहिल 10 लगाना है। चलते हैं आगे। पहला क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, जिन्होंने गलती की है उनको अभी सजा मिलेगी और जिन्होंने नहीं की है उनको मजा मिलेगी, क्या बात है। अगर चाप की लंबाई बराबर है और उन पर केंद्र बिंदु पर बने हुए कोण आपको दे रखे हैं तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। हम जानते हैं चाप की लंबाई यानी कि लेंथ ऑफ आर्क बराबर होता है रेडियस इंटू कोण, यही तो होता है त्रिज्या इंटू कोण। यानी कि अगर मैं चाप की लंबाई का रेडियस, त्रिज्या और एंगल से रिलेशन देखता हूं तो त्रिज्या इंटू कोण बराबर होता है चाप की लंबाई। तो जब दोनों चाप आपके बराबर हैं तो क्या मैं कह सकता हूं, जब आपका चाप की लंबाई ही कांस्टेंट है तो R1 θ1 और चाप की लंबाई R2 θ2, अगर हम इसका रेशियो देखना चाहते हैं तो ये बराबर है, बोला गया है चाप की लंबाई बराबर है। तो अगर आपको रेडियस का रेशियो निकालना है तो वह किसके बराबर होगा, θ2/θ1 के। तो आपका दूसरा कोण आपका 45 है, पहला कोण आपका 30 है, अनुपात आएगा 3:2, 15 * 3 = 45 और 15 * 2 = 30। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो पता नहीं क्यों गलती आपने की और क्यों लगा दिया आंसर ए। ठीक है, पहली चीज क्लियर हो गई। अब इससे रिलेटेड जो भी चीजें एग्जाम में आ सकती हैं, ये आ सकती हैं कि कोई भी अगर चाप की लंबाई दे रखी हो और आपको उस सेक्टर का एरिया निकालना हो, उस सेक्टर का क्षेत्रफल निकालना हो, वह क्या होगा, तो वह होगा 1/2 LR। ठीक है, अगर एरिया निकालना हो तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, वह होगा 1/2 LR। और L जो भी यहां पर है वह है क्या है, आर्क लेंथ है, चाप की लंबाई है, आर्क की लंबाई। अगला प्रश्न, तो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। दो संख्याओं का जो बीच का अंतर है वो 235 है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से डिवाइड किया जाता है तो भागफल 4 आता है और शेषफल 10 आता है। तो रिलेशन बताइए। मैंने कहा, कह दिया कि बड़ी संख्या x है और उन दोनों का जो डिफरेंस है वो 235 है, बस। अब बोला ये जा रहा है कि जब बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग दिया जाता है तो 4 बार भाग गया और रिमाइंडर 10 आ गया।
तो एक्स की वैल्यू रख दो यहां पर, तो एक्स की वैल्यू जब आप रखोगे 4y+10 - का वाई बराबर 235, यहां से आपका 3y = 225, और यहां से सॉल्व करने पर y बराबर आ जाएगा 3 7 21, 3 5 15, तो y बराबर अगर 75 आ गया तो x बराबर कितना निकल कर आ जाएगा, तो 235 + 75, और आपका सही उत्तर मुझे नजर आ रहा है कितना आ रहा है, 310। तो 310 ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, इजीली कर सकते थे। बस यहां पर सीखने का क्या था मैं बता देता हूं, ये जो लाइन है ना, इस लाइन से आपको एक समीकरण बनानी थी, यही सीखने वाली बात है, और वह यही आसान भी है, क्योंकि जब आप किसी बड़ी संख्या में छोटी संख्या का डिवाइड करते हो तो भागफल का हमेशा भाजक से गुणा करते हो और प्लस शेषफल करते हो, तभी आपकी वो संख्या बनती है। अगला प्रश्न, सर सोच नहीं पाते ऐसे, वही काम तो करना है, आपकी सोच में बदलाव लाना है। गले में खराश हो जाती है यार, चलिए अब ठीक है। हाँ, जैसा कि ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, एक्स वाई एक्स थ्री थ्री वाई और 5z, अब ये रेशो सही थोड़ी है, ये रेशो सही है ही नहीं, तो सर सही रेशो क्या होगा, आप 5 और 3 15 का एलसीएम ले लो और 1 का भाग दोगे तो आपका 15 आ जाएगा, 3 का भाग दोगे तो ये हो जाएगा 5 और 5 का भाग दोगे तो ये हो जाएगा 3, तो यह रेशो किसका है, ये एक्स वाई और जेड का रेशो है। अगर एक्स वाई जेड का रेशो ये है तो हमें क्या करना है, x - y + z, तो यानी कि यहां हम कह सकते हैं 18 में से 5 गए तो कितना आ जाएगा, 18 में से 5 गए तो 13 आएगा, तो वाई x + y 20 में से 3 गए तो 17 आएगा, अब तो बात पकड़ में आ गई सर, 7, तो ऑप्शन नंबर ए आपका उत्तर हो जाएगा, ये हुई ना बात। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन बनाइए भाई साहब, इंतजार किस चीज का कर रहे हो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। चलिए कैसे करेंगे डियर स्टूडेंट, एक दुकानदार एक वस्तु के विक्रय मूल्य में 7/8 की वृद्धि करता है तो हानि लाभ में बदल जाती है, यानी कि जैसे ही वो अपने विक्रय मूल्य में 7/8 की वृद्धि करता है तो हानि जो हो रही थी वो लाभ में बदल जाती है, और लाभ प्रतिशत का मान हानि प्रतिशत के 3/4 के बराबर हो जाता है, तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा ये आपको बताना है, तो इतना प्यारा प्रश्न है ना, चलिएगा ठीक है। और ये क्वेश्चन भाई, वो मेरे भाई जो भी विद्यार्थी कह रहे हैं ग्रुप डी लाओ, ग्रुप डी में कोई अलग से चेपा लगाकर आता है क्या क्वेश्चन पे है भाई साहब, और या फिर सीजीएल में अलग से चीपी लगी की आती है, ये सारे क्वेश्चन काम के आने वाले हैं, तो पढ़ाई करने से पहले तुम्हें करना नहीं है, बस सीखना नहीं है, तुम्हें ये लग रहा है कि अगर मैं यहां पर ग्रुप डी नहीं लिख रहा हुआ है तो फिर ग्रुप डी में नहीं आएगा ये, और आ गया तो फिर क्या करोगे, तो पढ़ाई पर ध्यान दो, वो ज्यादा जरूरी काम करना है तुम्हें, लेकिन उसके अलावा तुम बाकी सभी कामों पर ध्यान दे रहे हो। चलिए आइए, एक दुकानदार बोला गया है कि विक्रय मूल्य से 7/8 की वृद्धि करता है एक वस्तु के विक्रय मूल्य में, यानी कि मैं अगर उससे कह देता हूं उसका सेलिंग प्राइस मान लिया पहले 80 था तो अब कितना हो जाएगा, 150, क्योंकि 7/8 है ना, तो 80 में अगर मैं 70 की वृद्धि कर दूं, मैंने 80 माना है ये, है ना, ये कोई एक्चुअल नहीं है, ये माना है मैंने, ऐसे मान लिया जिससे कि 0 तो हो कम से कम, ठीक है सर।
अब क्या होता है कि यहां पर बोला जा रहा है कि हानि लाभ में बदल जाती है, यानी कि अगर मैं कहता हूं आपसे कि हानि अगर लाभ में बदल जाती है और जो हानि का प्रतिशत, लाभ प्रतिशत का मान हानि प्रतिशत के 3/4 के बराबर है, यानी कि अगर मैं कह सकता हूं कि अगर मेरा लॉस जो हो रहा है वो अगर X% हो रहा है तो मेरा प्रॉफिट कितना हो रहा होगा, 3X/4। एनी प्रॉब्लम? किसी को कोई भी तरह की आपत्ति नहीं होनी चाहिए क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही क्लासिक क्वेश्चन है। ठीक है सर, ये बात हमें समझ में आ रही है थोड़ी बहुत। और हानि लाभ में बदल जाता है, तो मैं वही वाला काम करना चाहता हूं कि अगर जब मेरा 80 रुपीज पर मैं बेच रहा हूं तो मेरा क्या, कौन सी चीज सेम रहेगी, कौन सी चीज सेम रही होगी? सीपी सेम रहा होगा, सीपी सेम रहा होगा। सर क्यों 80, 80 क्यों? अरे भाई 8:7:8 है, तो यहां मैंने अगर 80 मान लिया तो 70 की वृद्धि कर दी ना, ये 7/8 अनुपात में लिखा हुआ है, तो आप इसको 80 और 70 भी लिख सकते हो, आप इसको 800 और 700 भी लिख सकते हो, आप इसको 8,000 और 7,000 भी लिख सकते हो, आप इसको 80,000 और 70,000 भी लिख सकते हो। ऐसा कोई पाप नहीं कर रहे हो आप, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना है कि मैंने यहां पर 80 और 70 इसलिए लिखा है कि पहले अगर सेलिंग प्राइस अगर 80 है तो आपने 70 को बढ़ाकर 150 कर दिया। और ये भी क्वेश्चन में लिखा हुआ है, अगर आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो ये चीज आपको मिल जाएगी कहीं ना कहीं क्वेश्चन में, तो वो क्वेश्चन में पढ़ो कि अगर लॉस मैंने X% माना है तो मेरा प्रॉफिट जो होगा उस लॉस का 3X/4 हो जाएगा, ये भी यहां लिखा हुआ है। ठीक है, अब मैं आपको वही चर्चा कर रहा हूं कि कोई फर्क नहीं पड़ता इसके 80 मानने से या 70 मानने से या 8 मानने से या 15 मानने से, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वो तो रेशो है। समझ में आ रही है बात? जी बिल्कुल। मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं यहां पर कि अगर आपके सामने X% का लॉस है तो मैं एक चीज जानता हूं कि जो कॉस्ट प्राइस होता है वह दोनों कंडीशंस में इक्वल होता है। सीपी आपका क्या होता है? इक्वल होता है, हमेशा सेम होता है। सो मेरा ये मानना है आप लोगों के लिए कि अगर 80 आपका सेलिंग प्राइस है तो सीपी कितना होगा? सिंपल सोचो, सर 80 अगर मेरा सेलिंग प्राइस है तो सीपी कितना हो जाएगा? इसमें हमें 100 - X / X करना होगा, यही सीपी होगा भाई। 100 - X / X करना होगा क्योंकि यहां पर लॉस है। क्लियर हो रहा है बात? चलिए, नहीं आई बात समझ में, दोबारा बता दें या उल्टा तो नहीं कर दिया, एक बार चेक कर लेते हैं। जैसे कि मैं अगर आपसे कह देता हूं कि ये मेरा सेलिंग प्राइस है, तो हम जानते हैं सेलिंग प्राइस बराबर क्या होता है, कॉस्ट प्राइस पर ही तो लॉस हो रहा है X% का। यस, तो सीपी यहां से कितना आ जाएगा? अगर सीपी अगर मेरा 80 है तो यहां से सीपी कितना हो जाएगा? हाँ ये होगा। ठीक है, ये सब मैं लिखना पड़ रहा है क्योंकि आपको समझाना चाहता हूं, फिर इसका शॉर्ट मेथड भी हम बताएंगे आपको। ठीक है, यहां से अगर मैं बात करना चाहूं, यहां से अगर मैं बात करना चाहूं, अगर आप डायरेक्टली भी लिखना चाहते हो तो डायरेक्टली भी लिख देते हैं, रेशो मेथड से बता देता हूं, है ना, क्योंकि फिर ये तुम्हें पचेगा ही नहीं तुम लोगों के। तो आप मुझे ये बताओ कि अगर मैं यहां तक कर रहा हूं तो कोई आपको आपत्ति है क्या? यहां तक कोई आपत्ति है? तो मुझे बताओ लॉस और प्रॉफिट का रेशो कितना है, लॉस और प्रॉफिट का रेशो कितना हो जाएगा? सर लॉस और प्रॉफिट का रेशो हो रहा है 4/3। लॉस और प्रॉफिट का रेशो 4/3 ही तो है, क्योंकि यही बोला जा रहा है कि लॉस का 3/4 प्रॉफिट हो रहा है, तो लॉस अगर 4 है तो इसका 3/4 3 होगा। अब ये किसके बराबर होता है, सीधा सीधा कंसेप्ट लगा दीजिए, अगर आपके सामने ये सीपी है, लॉस होगा CP - SP अपॉन, ये किसके बराबर होगा, SP - CP। कोई दिक्कत? क्लियर हो रहा है? हम यहां 80 मान रहे हैं और यहां 70 मान रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। ठीक है, तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, या नहीं आया समझ में,
दिक्कत आ रही है क्या? दिक्कत आ रही है? यस, कंफ्यूज हो रहे हो। ये प्रॉफिट लॉस समझ में नहीं आता। सीपी एस पर एसपी सीपी माइनस एसपी ये नहीं आता। एक बार पढ़ा दूं दोबारा से पूरा। हाँ आओ, ठीक है। एक दुकानदार एक वस्तु के विक्रय मूल्य में 7/8 की वृद्धि करता है। तो 7/8 की वृद्धि करेगा, तो 7/8 की वृद्धि करेगा, यानी कि अगर 8 आपका पहले सीपी है, सॉरी एसपी है, तो अब आपका नया एसपी कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। ये बात तो क्लियर है। बस लाभ हानि में बदल गई, यहां से लाभ हानि में बदल गई। तो यहां मैं ये कह सकता हूं कि मेरा जो सीपी है वो एक्स होगा, सीपी मेरा एक्स होगा, मान लिया सीपी को एक्स मान लिया। तो यहां पर लॉस कितना हो रहा है, यहां पर लॉस कितना हो रहा है? बोले गुरुजी यहां पर होने वाला लॉस है x-8, ठीक है। और यहां पर प्रॉफिट कितना हो रहा है, क्योंकि जब विक्रय मूल्य ज्यादा किया है तो प्रॉफिट तो होगा, तो 15-x। क्लियर है? अब धीरे धीरे वो कंसेप्ट कंसेप्ट की बात है, कैसे भी समझ लो। मैं आपसे अब यही कहना चाह रहा हूं कि यहां पर दोनों ही, अगर मैं बात करता हूं ये लॉस है ये प्रॉफिट है, और सीपी के रेस्पेक्ट में निकलते हैं, तो ये बोला जा रहा है कि जो लाभ परसेंटेज है वह हानि परसेंटेज के 3/4 के बराबर है, यानी कि ये लाभ परसेंट जो होगा इसके 3/4 के बराबर होगा। बोलिए, लाभ प्रतिशत का मान, लाभ प्रतिशत का मान हानि प्रतिशत के मान के 3/4 के बराबर है। एक्स से एक्स कट जाएगा फोकट में, क्योंकि वैसे भी सब सीख है, ठीक है सर। अब गुणा कर ले, 4 का वज्र गुणा कर दूं, तो यहां से मैं सॉल्व करता हूं, तो 3x-24 बराबर 15 चौके 60 -4x। तो 7x बराबर कितना निकल कर आ गया, कितना निकल कर आ गया अपने सामने, ये हो गया 84। तो x बराबर कितना निकल कर आ जाएगा, 12। x बराबर 12 निकल कर आ गया। तो आपसे पूछा गया है कि लाभ कितना होगा, तो जब लाभ हो रहा है तो इस पर हो रहा है ना लाभ, तो जब आप 12 में खरीद रहे हो, 15 में आप बेच रहे हो, तो लाभ कितना हो रहा है, 3 का 12 के रेस्पेक्ट में इंटू 100। तो आंसर कितना आ गया, 25%। क्लियर हो रहा है, समझ में आया? आना भी चाहिए, ये क्लासिक क्वेश्चंस होते हैं। मैं आपको वही समझाना चाह रहा हूं यहां से कि अगर आप x मानकर बेसिक में घुस जाएंगे, जो कि सही है, गलत नहीं है, वो भी उससे भी आंसर आता, आता नहीं आता, आता या नहीं आता, बिल्कुल आता, लेकिन जो कंपटीशन के हिसाब से बनी है चीज, वही आपको उपयोग में लेनी है। तरीके वही हैं, तरीके वही हैं, और वो ज्यादा उचित है अगर हमें नंबर लाने हो कहीं बोर्ड में, लेकिन एग्जाम के अकॉर्डिंग ये आपको करना है और यही समझना भी है। अब ये कितनी जल्दी समझ में आ गया होगा, बस। अगला प्रश्न, शॉर्टकट मेथड भी बताएं। यही चक्कर में आप आज तक नहीं सीख पाए हो गणित, है ना, ये कारण बता रहा हूं। आप उस पर इंप्लीमेंट कर लेना और फिर आप देखिएगा कितना इंप्रूवमेंट आपके अंदर आता है ना। आपसे बोला जा रहा है कि ए बी सी डी आपका एक समांतर चतुर्भुज है सर। मैंने कहा ठीक है भाई, होगा। तो ए बी सी डी एक आपका समांतर चतुर्भुज है, जैसा कि आपने यहां लिखा है, ए बी सी और डी। बोला जा रहा है कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, BD का मध्य बिंदु आपका M है, ठीक है। यानी कि आपने बोला एक BD है और उसका मिड पॉइंट आपका क्या है, एक M है, ये मिड पॉइंट है जो कि B और D को समद्विभाजित करती है ना। मतलब BD है जो कि B और D को समद्विभाजित करती है, यानी कि इसको भी आपको बराबर भागों में बांट रही है और इसको भी बराबर भागों में बांट रही है, यानी कि ये आपका B/2 हो जाएगा, ये आपका D/2 हो जाएगा, और ये आपका एंगल ए है ही, ठीक है ना। बी और डी को आपका क्या करती है, समद्विभाजित करती है। देखिए, चलिए, बी और डी को समद्विभाजित करती है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है।
है ना, और बोला गया है ए एम डी का मान बताइए, निकालते हैं भैया ए ए एम डी, ये वाला एंगल क्या होने वाला है, कैसे निकालेंगे दोस्तों? बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट समझने वाले हो, और जिनको समझ में आता है वही समझने की कोशिश भी करेंगे। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं डियर स्टूडेंट्स, कि अगर हम इस बारे में चर्चा कर रहे हैं कि आपका बीडी आपका बाइसेक्टर है डी और बी का, तो यहां पर हमारे सामने जो ए डी बी है वह ए बी डी के बराबर हो जाएगा। ए डी बी आपका ए बी डी के बराबर हो जाएगा। कारण क्या है सर? कारण यह है कि आपका जो ए बी है वह आपका ए डी के बराबर है। आइसोसेलस ट्रायंगल, यानी कि जो ट्रायंगल ए बी डी बन रहा है यह एक आइसोसेलस ट्रायंगल है। क्यों सर आइसोसेलस कैसे हो गया, कैसे हो गया आइसोसेलस? अरे भाई साहब, जब आपके सामने यहां पर ये एंगल बाइसेक्टर बन रहा है और ये इसको मिड पॉइंट है, ये बराबर भागों में इसको बांट रहा है, तो क्या ये आइसोसेलस नहीं हो जाएगा? क्या दो साइड आपके इक्वल है, बराबर भागों में वैसे ही बांटा जा रहा है और आपके सामने आइसोसेलस हो जाएगा? तो यहां पर ये अगर आइसोसेलस हो गया तो यहां पर सारी स्थिति साफ हो गई भाई साहब, कि भाई ए बी बराबर आपका ए डी हो गया, ए बी बराबर आपका ए डी हो गया। अगर ए बी बराबर आपका ए डी हो गया तो यहां पर हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर हो गया कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो ये एज ए क्या काम करेगा, पैरलोग्राम एक रोम्बस की तरह काम करेगा। पैरलोग्राम एक रोम्बस की तरह काम करेगा, और रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं वह एक दूसरे को किस पर काटते हैं, 90 डिग्री पर। ये हुई ना बात? तो कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो चुका है, और यही सबसे बड़ी खास बात है। क्योंकि ये अगर आपस में बराबर हैं तो क्या ये आपस में बराबर होंगे? क्योंकि समांतर चतुर्भुज है तो आमने सामने की भुजाएं तो बराबर होंगी, आमने सामने की भुजाएं तो बराबर होंगी। जब चारों भुजाएं बराबर हो गई तो यह क्या बन गया, जब एंगल बाइसेक्टर हो गया तो यह क्या बन गया, यह एक रोम्बस ही तो बन गया। रोम्बस मतलब होता है सम चतुर्भुज। सीखते जाइए। नेक्स्ट, चलिए क्या बोला जा रहा है सर, देखो क्वेश्चन कितना प्यारा है। बोला जा रहा है साइन थीटा प्लस साइन 5 थीटा बराबर साइन 3 थीटा है। अब इसको कैसे सॉल्व करूं, ना कोई लॉजिक है ना कुछ है। बोले कैसे नहीं है लॉजिक भाई साहब? बिल्कुल है। यहां मैं इसको कैसे कर सकता हूं सॉल्व, यानी कि अगर मैं साइन थीटा को यहां रखता हूं तो क्या मैं लिख सकता हूं साइन 3 थीटा माइनस साइन 5 थीटा? कारण, कारण तो 4 थीटा बनाने वाला है, ठीक है, कि थीटा का मान क्या रख सकते हैं। तो जब मैंने ऐसा किया तो सर ये तो साइन सी माइनस साइन डी हो गया। हाँ हो गया, तो सॉल्व करें तो साइन थीटा बराबर, अगर मुझे मान लीजिए साइन सी माइनस साइन डी लगाना है तो क्या होता है, बोल सकते हो कोई? सर ये होता है 2 cos C + D/2 और साइन सी माइनस डी बाई टू। लॉजिक है, दम है लॉजिक में, बिल्कुल है। अब रखेंगे यहां पर और क्या करेंगे, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं 2 cos C + D/2, यानी कि ये तो हो गया 4 थीटा, और ये कितना हो जाएगा C - D/2, यानी कि ये हो जाएगा साइन माइनस साइन थीटा, साइन माइनस थीटा, माइनस साइन थीटा हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर 2 cos 4 थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है, माइनस साइन थीटा हो गया, बिल्कुल ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर, चलने दीजिए।
अब उसके बाद में अगर हम बात करते हैं कि ये अगर मतलब ये मल्टीपल में है, ध्यान रखना ये माइनस साइन थीटा मल्टीपल में, या फिर मैं यू कहूं तो ये ज्यादा उचित रहेगा कि यार यहां पर अगर मैं ऐसे लगा देता हूं ज्यादा बेटर है। क्यों सर? कट जाएगा, कट गया ना, कट गया। तो ये कितना आ गया, -1/2। -1/2 किसके बराबर है? cos 4 थीटा के बराबर। आप मुझे बताइए, अगर cos 4 थीटा -1/2 है तो 4 थीटा किसके बराबर होगा? 4 थीटा किसके बराबर होगा? 120 के बराबर। वेरी गुड। 180 माइनस 60 तभी पॉसिबल है, वरना पॉसिबल ही नहीं है। 180 माइनस 60। क्यों सर आपने ऐसा क्यों लिया? क्योंकि जो थीटा का इंटरवेल है वो 0 से 90 के बीच में होना चाहिए। मैं 240 ले सकता था, 240 ले सकता था, हाँ ले सकता था, है ना। चलिए लेकिन वहां पर इंटरवेल में नहीं आता ना। चलिए तो यहां से कितना आ गया, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री आ गई। बस सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट करो 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 करो, सीखते जाओ। 120 कैसे आया भाई? आपको मैंने बताया ना कि कॉस कहाँ नेगेटिव होगा, ये बताओ। चलो आप बाकी सारी चीजें छोड़ो, अगर किसी भी ट्रिग्नोमेट्री में 4 क्वाड्रेंट होते हैं, आपका प्रश्न का जवाब आपके सवाल में ही है कि आपको जब पता हो तो सही पहले कि हमने ट्रिग्नोमेट्री में जब कॉस को देखा तो कॉस कहाँ नेगेटिव हमें मिला। ये पहला क्वाड्रेंट होता है, ये दूसरा क्वाड्रेंट होता है, ये तीसरा क्वाड्रेंट होता है, और ये चौथा क्वाड्रेंट होता है। तो आप ये बताइए आपका जो कॉस होगा कहाँ नेगेटिव हो सकता है? बोले सर केवल सेकंड और थर्ड में, यहाँ तो दोनों दोनों हिस्से में पॉजिटिव है। अब सेकंड और थर्ड में भी आपको कॉस को कॉस रखना है, और एक एक बटे दो किस में मान होता है? 1/2 60 पर मान होता है। तो आप या तो ये कह सकते हो कि वह 180 माइनस 60 हो, या आप ये कह सकते हो कि वह 180 प्लस 60। दोनों में ही आपका क्या हो जाएगा, वह कॉस हो जाएगा -1/2। तो यहां पर अगर हम लेते हैं तो 120/4 तो कितना निकल कर आ गया, 30। यहां आता 240/4, यहां निकल कर आता 60। ठीक है, और 60 हमें ऑप्शन में नहीं था, तो हम क्या देंगे आंसर, 30 वाला। नेक्स्ट तेरह से विभाजित 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या के 8 से विभाजित होने पर भागफल ज्ञात कीजिए, बताओ। अब 13 से विभाजित होने वाली 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या के, तो 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या क्या हो जाती है, 9999 ना, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो ये हो जाएगी 1000। तो 1000 में आपको ऐसी संख्या देखनी है जो 13 से विभाजित हो, तो क्या होगी, 13 7 51 में बचे 9, और 13 5 13 6 78 13 6 78, तो यानी कि अपन को 77 लेना है। तो 13 × 77, तो 13 7 51 में 9, 13 7 51 में और 9, 1001। तो 1001 आपकी ऐसी संख्या हो गई जो आपके सामने इस तरह से आ गई। अब बोला गया है सबसे छोटी संख्या के 8 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। अब आप इस 1001 को 8 से विभाजित कर दो तो आपका शेषफल कितना आ रहा है, बोले सर 8 × 8, और शेषफल तो वैसे भी निकल कर आ जाएगा 125 ना, सॉरी भागफल कितना होगा, तो 125 बार जाएगा ना, भागफल पूछा गया है। क्यों सर 125 बार क्यों जाएगा, बोले सर इसलिए जाएगा 125 बार क्योंकि 1000 में 8 का 125 बार ही जाता है, तो भागफल पूछा गया है। तो यहां पर हमें केवल क्वोशेंट बताना है, और रिमाइंडर पूछेगा तो कितना आएगा, 1। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट अरे भाई साहब आप यही तो देखोगे यार, 1000 के बाद में 13 का गुणज क्या है ये बताओ,
बुद्धि लगाने का मतलब आप कोई मतलब सोचते ही नहीं हो कभी कुछ कि भाई मैं क्या कह रहा हूं, मैं क्या सोच रहा हूं, मुझे क्वेश्चन नहीं करना है, बस ये 77 कैसे आ गया, ये बताया नहीं गया है क्या, ये बताओ। चलो बताया गया है ना, और आप ये सोचो तो सही कि कैसे आया होगा कि जब 1000 में आप 13 का भाग दे रहे हो तो गुणज निकाल रहे हो, मैंने भाग भी दिया है और क्या होगा बताओ। दो उम्मीदवार के बीच एक चुनाव हुआ, अब 10% मतदाता मतदान ही नहीं करते हैं और 200 मत इनवैलिड हो गए। अब विजेता वैध मतों का 75% प्राप्त करता है और 1250 मतों से विजयी हो जाता है, तो मतदाताओं की कुल संख्या बताइए। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहली बात ये बताएं कि मैंने मान लिया कि 100% वोट है, जिसमें से 10% तो वोट ही नहीं डले हैं, या मैं कह सकता हूं 10% ने वोट ही नहीं करे हैं, तो यानी कि 90% ही वोटर होंगे। अब इस 90% वोट क्या हुए, कास्ट हुए, ये बात समझ में आ रही है, या हम कह सकते हैं ना कि केवल 90% वोट ही तो डाले गए हैं। अब इनमें से कितने मत अवैध घोषित कर दिए गए, 200। 200 यहां पर अवैध मत है, तो ये सारे जो हो जाएंगे ये वैलिड वोट हो जाएंगे क्या, ये बताओ हाँ या ना। 90% माइनस 200 वैलिड वोट हो जाएंगे, क्योंकि 200 अवैध भी तो हो गए थे, डालने वाले डालेंगे तभी तो अवैध घोषित होंगे, भाई दो बार डाल दिया या ये खराब वोट हो गया। यस सर। अब बोला जा रहा है कि जीतने वाले को वैध मतों का 75% प्राप्त होता है और वह इतने मतों से जीतता है। मुझे एक बात बताना, अगर जीतने वाले को 75% प्राप्त हो रहा है तो हारने वाले को कितना प्राप्त होगा, केवल किसका है ये सब, वैलिड वोट का। तो मैं वैलिड वोट को साइड में रख के बैठा हूं, अभी मैं बाद में काम लूंगा इसका, पहले मैं यहां हिसाब कर लेता हूं। बोले सर जीतने वाले को अगर 75% प्राप्त हुआ तो हारने वाले को 25% प्राप्त होगा, तो ये जीता कितने वोटों से है? तो बोले गुरुजी 50%। बराबर क्या है, 1250। अभी 50% किसका, इसका, किसके बराबर है, वैलिड वोट का 50% इसके बराबर है, यानी कि 50% होता क्या है, 1/2, तो 45% माइनस का 100 बराबर 1250, 45% बराबर 1350, 45 से काटेंगे कितनी बार जा रहा है, 1% बराबर 30, तो आंसर कितना आ जाएगा, 3000। मजा आ गया, दिमाग का खेल है सारा, आप पढ़िए आप करिए हो जाएगा काम। बस नेक्स्ट सर, 45% कहां से आया, आप बताओ कहां से आया होगा, आप बताओ ना, आप बताओ कहां से आया होगा, बुद्धि लगाओ यार। इस वैलिड वोट का ही तो 50% अंतर आ रहा है, ये 75 और हारने वाले को 25, जीत हार का अंतर कितना है, 50%। किसका 50%, किसका 50%, इस वैलिड वोट का, तो इसका 50% 1/2 करोगे पूरे का, तो 90 का आधा 45, 200 का आधा 100 और 250 के, 1250 के बराबर कर दो बस। अरे विनय तुम्हारी बेवकूफी को बहुत बड़ा सलाम है मेरा। अरे दोस्त ये जो 75% 75% है और ये 25% है, ये जो निकाल रहा हूं ये वैलिड बोर्ड पर है सब कुछ भाई, तभी तो लास्ट में इस 1/2 को इससे गुणा किया है। दिमाग लगाओ यार, बीस पदों तक निकालना है सर, पहला 1-2 है, ये 1-4 है, ये 2-3 है, कैसे करूं सर। मैंने कहा दिमाग तो लगाना पड़ेगा, कैसे, इसमें दो सीरीज हैं, दो सीरीज हैं, एक तो ये रही
और एक ये रही, तो क्या करें, 20 पद है ना, तो इसका 10वां पद निकाल दो, यानी कि एक सीरीज सीरीज S1 एक इंटू टू प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 5 प्लस, ये कहां तक जाएगा, 10th टर्म तक। दूसरी सीरीज क्या बन रही है सर, 1 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 4 1/4 × 7 प्लस 7 × 10। आगे अगर चला जाता हूं तो ये भी 10वें टर्म तक। अब प्लीज सामने देखिए और बड़ी मजे तरीके से सीखिए। आइए, तो 10वां टर्म क्या होगा, जो ये 10th टर्म होने वाला है ये क्या होगा बताओ, प्लीज कीप क्वाइट और प्लीज मुझे सुनिएगा बस। हाँ ठीक है, 10th टर्म क्या होगा बताओ। तो सर 1 2 2 3, यानी कि यहां 10 और 11 होगा। क्यों, क्योंकि चल रहा है ना सीरीज, पता लग गई ना, 1 2 पहला टर्म, 2 2 3 दूसरा टर्म, 3 4, तो 10वीं सीरीज क्या होगी, 10 11। अब यहां देखिए, 1 4, 1 और 4, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि 1 और 4 में 3 का गैप आ रहा है, 3 का गैप आ रहा है, यानी कि पहले टर्म में 3 3 3 का गैप चल रहा है हमेशा। यानी कि आपको क्या देखना है कि 3 3 3 का गैप चल रहा है, अगर मैं पहले पर हूं तो दूसरे पर आने के लिए मुझे 3 चलना पड़ रहा है, तो क्या मैं कोई रिलेशन बना सकता हूं क्या। 3 × 0 + 1, 3 × 1 + 1, 3 × 2 + 2, क्लियर। तो 3 × 9 + 1, 28 और 31, 28 और 31, वेरी गुड। तो कितना हो जाएगा, 28 और 31। कैसे हो रहा है सर, दोबारा बताता हूं, जब यहां 1 और 4 का गैप है, तो मैंने यहां रिलेशन बनाना स्टार्ट कर दिया कि सर आप ऐसा कुछ कर दो, या तो 4 में बना दो सर, ठीक है, मैंने बनाया 3n + 1। क्या n बराबर 1 रखने पर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, n बराबर 2 रखने पर कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, n बराबर 3 रखने पर कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, इसी तरह से n बराबर 10 रखने पर कितना आ रहा है, 31 आ रहा है। वेल डन, तो आप आधा काम कर चुके हैं। अब कुछ भी नहीं है, अब सो सीरीज सॉल्व करना आसान है। तरीका क्या होता है, अब S1 का सॉल्यूशन क्या होगा, 1/डिफरेंस पहली टर्म माइनस लास्ट टर्म, तो ये हो जाएगा 10/11। दूसरी टर्म, दूसरी सीरीज का सम कितना हो जाएगा, 1/डिफरेंस कितना है, 3 है यहां पर, क्योंकि 4 और 1 का 3 ही तो है, पहली टर्म 1 है और अंतिम टर्म 31, तो ये कितना हो जाएगा भाई साहब, 10/31। इन दोनों को योग कर लो क्योंकि सम ही तो पूछा है, तो 10/11 और 10/31 को सम करने पर 310 और 110, तो ये हो जाएगा 420/341, ऑप्शन नंबर डी। मजा आ रहा है डियर। चलिए करिए 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 करिए। एक समलंब चतुर्भुज में एक विकर्ण दूसरे को 2:9 में विभाजित करता है। यदि दो समांतर भुजाओं में से सबसे बड़ी भुजा की लंबाई 75 सेंटीमीटर है, तो दूसरे समांतर भुजा की लंबाई क्या होगी? क्या क्वेश्चन है? अब ये सारा खेल अनुभव का है, जो चीजें आप समझ सकते हैं तो आप कर भी सकते हैं, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि मैं आपको टॉप क्लास क्वेश्चन करा रहा हूं। देखिए, समलंब चतुर्भुज में एक विकर्ण दूसरे को 2:9 में विभाजित करता है। एक समलंब चतुर्भुज बना दिया, ठीक है,
यहाँ ए बी सी डी लिख दिया। अब एक डायगोनल बना देता हूँ, बोला जा रहा है मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, बोलते हैं हम कर लेते हैं। एक डायगोनल दूसरे को किस अनुपात में कट काट रहा है? 2:9 में, ठीक है। अब बोला जा रहा है दो समांतर भुजाओं में से सबसे बड़ी भुजा की लंबाई 45 ये है। कोई दिक्कत आपको, कोई टेंशन है क्या? ठीक है, तो दूसरे समांतर भुजा की लंबाई कितनी होगी, यानी कि आपको बताना है कि ये कितना होगा। कैसे बताओगे? बोले सर अजीब इत्तेफाक है, कितनी बड़ी बात है। हम यहां कह सकते हैं क्या कि यार ये और ये ट्राइंगल, कौन कौन से ट्राइंगल, अगर ये ओ है तो ये ट्राइंगल ए ओ बी क्या समरूप नहीं होगा क्या ट्राइंगल डी ओ सी के? हाँ या ना बोल दो प्लीज, क्योंकि सीखने वाले तो खिलाड़ी बनोगे आप। होगा सर, कैसे होगा? अरे कैसे नहीं होगा ये बताओ। बोले यार ये एंगल इस एंगल के बराबर है, इसको थीटा मान लिया तो ये थीटा हो गया, ये एंगल अगर अल्फा मान रहे हो तो ये एंगल इस एंगल के बराबर है। बोलो क्यों है बराबर, कारण क्यों है बराबर, बराबर क्यों है? बराबर इसलिए है गुरुजी क्योंकि एकांतर कोण है, क्योंकि जब समांतर भुजाएं होती हैं तो जेड बन रहा है ना, तो ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, और ये कोण इसके बराबर है। बोले क्यों? क्योंकि शीर्ष अभूमिक कोण है, तो इसके सामने का अल्फा बराबर 2 दे रखा है, इसके सामने अल्फा बराबर 9 दे रखा है, तो उसके सामने अगर आप क्वेश्चन मार्क निकालना चाहते हो तो इसके सामने 45 है, क्योंकि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं उनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर हो जाता है, तो 9 से काटा 5 बार और 5 दूनी 10, ये हुई ना बात। अगला प्रश्न करिए। तुलसी एक बार और क्यों, मतलब कोई मुजरा चल रहा है क्या भाई? हाँ एक बार और करें। चलिए, एक साथ 12 पुरुष 16 महिलाएं 4 दिनों में एक काम को पूरा करते हैं, तो 12 पुरुष 16 महिलाएं 4 दिनों में एक काम को पूरा करते हैं, उसी काम को पूरा करने में केवल एक आदमी को 80 दिन लगते हैं। अच्छा, यानी कि एक अकेला आदमी काम कर रहा है तो उसको वही काम पूरा करने में कितना लगेगा? 80 दिन लगेगा, ठीक है। तो 4 से अगर हम इस 80 को काट देते हैं तो ये हो गया 20, तो 20 में से 12 चले जाएंगे तो 16W बराबर कितना हो जाएगा? 8M, तो M और W की जो एफिशिएंसी निकल कर आ गई वो आ गई 2:1। तो अगर मैं टोटल वर्क की डिमांड करता हूं तो टोटल वर्क हमारा हो जाएगा 160। कैसे? M को 2 रख के टोटल वर्क निकाल दिया। अब उसी काम को के लिए केवल एक महिला को कितने दिनों की आवश्यकता है? तो केवल एक महिला हो तो वह 160 काम को 160 दिनों में ही ना करेगी? यस सर, करेगी। बस नेक्स्ट। अरे समझ में इसलिए नहीं आएगा क्योंकि तुम ऐसे सोचते हो कि मैथ। अच्छा ये 8 कहां से आ गया होगा? अरे यार पानी लाना, ऐसे होती है क्या मैथ भाई? वो सॉल्व करो ना इसको। हाँ तो आपको बोल रखा है कि विकर्णों की संख्या दे रखी है, तो n इंटू n माइनस 3/2, यही तो विकर्ण होते हैं जिसको ही 54 बोल रखा है। तो यहां n इंटू n माइनस 3 बराबर कितना है? 108। अब आप मुझे बताइए कि 108 के ऐसे कैसे टुकड़े हो सकते हैं जिनका अंतर 3 हो? तो बोले सर 12 और 9, क्या बात है। तो n आपका 12 हो जाएगा,
यही पूछा गया है। नेक्स्ट, अरे 9 क्यों लूंगा महाराज, क्यों लूंगा 9 भाई साहब, क्यों लूंगा मैं, हाँ क्यों लूंगा 9। यहां एन निकालना है, भुजाओं की संख्या एन इंटू एन माइनस थ्री है, तो ये अगर 12 होगा तभी तो ये 9 होगा, तो हमें तो 12 लेना है ना, एन लेना है। चलो अब जैसे ये क्वेश्चन आ गया कि चक्रवृद्धि ब्याज में 7 साल में एक निश्चित राशि डबल हो जाती है, अगर 7 साल में कोई निश्चित राशि मेरी क्या हो गई, डबल हो गई, तो कितने सालों में वो 8 टाइम्स होगी। तो तरीका क्या बताया था कि जब चक्रवर्ती ब्याज है तो 8 गुना को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 3। तो क्यों करते हैं ऐसा, क्योंकि बेस आपका बराबर है, तो 3 को जो पावर आती है उसको इससे गुणा कर देते हैं, 21 साल। नेक्स्ट, आम और संतरे के उत्पादन का अनुपात आपको दे रखा है 3:2। यदि प्रत्येक फल की प्रारंभिक मात्रा का 10% बर्बाद हो गया तो आम और संतरे का विक्रय मूल्य का अनुपात आपका बच गया इतना, विक्रय का अनुपात बच गया इतना। तो आम और संतरे की शेष संख्या 20 और 40 है, तो उत्पादित आमों की संख्या बताइए। तो देखो कैसे करते हैं, प्लीज शांति बनाए रखिएगा, एक नंबर क्वेश्चन है। अच्छा ये बताओ कि आप में से कल किसका पेपर है, वेनसडे आप लोगों का है। अच्छा ठीक है, फ्राइडे को किसका है, लिखिएगा सर फ्राइडे मेरा है, ऐसे लिखना फ्राइडे मेरा, और एसएटी मेरा, फ्राइडे भी है और सैटरडे भी है। वो आईबी वाला कह रहे हो ना आप, तो समझ में आ गया। ठीक है चलो, कुछ प्लान कर रहा था, मैंने कहा कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करा देता हूँ, आईबी के तो चल ही रहे हैं 12:30 बजे यूट्यूब चैनल वाई फाई स्टडी पर, है ना, वैसे तो यहाँ चल ही रहा है, इससे बहुत हेल्प मिलेगी आपको। ठीक है अब ये क्वेश्चन देखो भाई, मजा कुछ बचा रहा हूँ सिलेक्शन के लिए पढ़ा रहा हूँ, ये गारंटी है आपको, पहले बता रहा हूँ, माहौल बहुत अच्छे से चल रहा है और आप इस पे ध्यान लगाइए पढ़िए। अब क्या बोला जा रहा है मुझे आप ये बताओ कि आम और संतरे का इतना प्रोडक्शन होता है, इतना होता है ना, इतना होता है सर, आम और संतरे का इतना प्रोडक्शन होता है भाई, प्रत्येक फल की प्रारंभिक मात्रा का 10% बर्बाद हो गया, फिनिश हो गया। आप मुझे बताइए अगर मैं कहता हूं कि 300 आम आए हैं और 200 संतरे आए हैं तो बचा कितना माल मेरे पास, तो 270 है ना, और यहां बचेगा कितना, 9 दुनिया 180। अब ये सब अनुपात है, इतनी टेंशन मत लेना आप लोग, क्योंकि वैसे भी ठीक है। चलिए तो अनुपात तो वही रहने वाला है, 3:2 ही। अब बोला गया है कि क्या हम इसमें यार लड़ाई कंसेप्ट नहीं लगा सकते क्या, हाँ ये बच्चा कह रहा है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करा दीजिए, तो ये क्या है, आप ये तो बताओ ये क्या करा रहा हूं फिर मैं, ये वो क्वेश्चन है जो नहीं करने हैं भाई, या ये लिखा हुआ अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन, इनकी एक्सपेक्टेशन ही मत लगा के रखो तुम, आदमी संतुष्टि नहीं होता है पता नहीं क्यों, पेपर भी हाथ में आ जाएगा तो उसको लगेगा कि ये छीन के कोई दूसरा पेपर भी देके जाएगा इसको। चलो आइए, तो मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप कोई बर्बाद भी कर रहे हो तो रेशो तो यही रहने वाला है आम और संतरे का, कहने का मतलब समझ में आ गया ना, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, मैंने अभी समझाया था ना कि अगर मान लो 300 और 200 हैं, अब उसमें से आप 10-10% निकाल दो
यानी कि ये कितना बचा था, 270, और ये 180, तो इसका अनुपात भी तो 3:2 ही आ रहा है। अरे बोलो, सेम ही रेशो रहेगा। चलिए, अब हम कह सकते हैं क्या कि इतने अनुपात में बेचता है और इतने संख्या, मतलब जो अब आम और संतरा शेष संख्या 20 और 40 है, ठीक है। तो अगर मैं इसमें से 20 घटा दूं और इसमें से 40 घटा दूं, तो उसका अनुपात कितना हो जाएगा, 53 और 34 हो जाएगा। हाँ, लगा दिया लड़ाई कंसेप्ट। तो 34 × 3 कितना होता है, और 53 × 2 कितना होता है, 34 × 3 कितना होगा, 34 × 3 102, और 53 × 2 106, तो अंतर कितना आ रहा है, 4:4। और इन दोनों का 34 × 2 कितना हो जाएगा, 74, 74, और 53 × 4 कितना हो जाएगा, 53 × 4 हो जाएगा 106, और 212, 212 और 102, है ना। 34 × 2 अगर मैं करता हूं तो ये हो रहा है 68, सॉरी माफ कीजिए, 68 होता है, और 53 × 4 हो जाएगा अपने सामने 212, और 212 में से अगर मैं 68 माइनस कर देता हूं तो ये हो जाएगा 144, 1440। तो 4:1440, तो 1:1 कितना निकल कर आ गया, 4 × 3 = 12, 4 × 6 = 24, 1:360। अब आपसे बोला गया है तब उत्पादित आमों की संख्या बताइए, तो किस अनुपात में, है ना, किस अनुपात में उत्पादित आम आपको बताने हैं, ठीक है भाई। कोई गड़बड़ है, कोई गड़बड़ है क्या, शांत हो जाओ यार थोड़ा सा प्लीज। सर 1440 कहां से आया, तो ये मुझे बताओ कि यहां कितने हो गए, 360 × 5:1, टोटल 5:1 है, तो ये कितना हो गया भाई, अरे टोटल 1800 हो गया। अब मैं ये कहना चाहता हूं ये 1800 है, तो क्या ये बर्बाद हुए 90% के बराबर है क्या। हाँ और क्या, यहां पर बर्बाद ही तो हो गए थे 10%, तो ये टोटल 100% कितना हो जाएगा, 2000। अब जब 100% आपका 2000 हो गया, तो इस अनुपात में बांटना जरा, तो निकालो आम कितने, तो 5 बराबर आपका हो जाएगा सर 2000, तो 1 बराबर आपका हो जाएगा 400, तो आम कितने हो जाएंगे, 1200, और ये 800। मजा आ गया, क्या बात है, एक क्लासिक चीजें हैं, मतलब है ना, क्या तगड़े तगड़े मेथड निकल निकल कर आ रहे हैं ना, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, बढ़िया लग रहा है। चलिए, हाँ ओ भाई सुनो, जो कह रहा है कि भाई प्रॉपर मेथड, ये कंसेप्ट नाम से चलता है अपने, है ना, तुम फिर मेरे मेरे तुम कॉपीराइट ही नहीं हो, ये लड़ाई कंसेप्ट इसको कहते हैं, इसको लड़ाई कंसेप्ट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। सर 2000 कैसे आया, तो जब ये तो जो टोटल आया था ना, ये 90% है, क्योंकि ये निकला हुआ भाग था, तो 90% के बराबर किया, 100% आएगा 2000, और फिर 3:2 में बांट दो, परीक्षा में 180 छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक 50 है, यदि उत्तीर्ण छात्रों के औसत अंक 80 हैं और असफल छात्रों के औसत अंक 40 हैं, तो परीक्षा में विफल छात्रों की संख्या कितनी है। लगा दो एलिगेशन, पास वाले कितने हैं 80, और फेल वाले कितने हैं, औसत अंक 40, और ओवरऑल औसत अंक कितने हैं, 50, तो 80 में से 50 गए तो 3, 50 में से 40 गए तो 1:3, अब 1:3 है और टोटल 180 छात्र हैं, बांट दो, तो यानी कि 4:1 अगर 180 है, 1:45 हो गया, तो फेल होने वाले कितने हो जाएंगे, 45 × 3 135। अच्छा, जब मैं आपको डांटता हूं तो आपको ऐसा लगता है क्या कि सर बेइज्जती कर देते हैं, ऐसा फील होता है क्या।
चलो फिर ठीक है। हाँ फेल निकाल दिया ना, फेल निकाला है। चलिए अरे अरे हाँ सॉरी, 135 होगा, मैं उस फील में चला गया था। इस क्वेश्चन को दीजिए आंसर। सिक्सटीन नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, और इसको कैसे करेंगे डियर? देखो काफी इंटरेस्टिंग भी है, अच्छा भी है, आइए चलो समझते हैं। देखो दोस्तों, कहने का तात्पर्य सिर्फ और सिर्फ इतना सा है कि यहां पर अगर हम इसको लिखना चाहें तो मैं इसको लिख सकता हूं 1 + 1 + tan² θ +1/1 + 1 - sin²θ +1। क्यों सर? क्योंकि 1 + tan² बराबर क्या होता है? sec² होता है, और 1 - sin² क्या होता है? cos² होता है। तो ये क्या बन गया सर? ये बन गया सर 1 + sin²θ, सॉरी 1 + sec²θ +1 + cos²θ +1। यहां तक किसी को कोई आपत्ति है? किसी भी प्रकार का कोई संकट, कोई भी परेशानी नजर आ रही है? देखो हम सिंपल मेथड से चलेंगे। आप ये सोचते हो कि मैं ये कर दूं वो कर दूं, पॉसिबल नहीं है डियर, क्योंकि मैं समझाना चाहता हूं, और समझाऊंगा तो ये चीजें समझ में तभी आ पाएंगी जब आप करने की कोशिश करोगे। तो मैं अब इसका एलसीएम ले लूं, वही उचित मार्ग मुझे लग रहा है कि सही है। अगर मैं इसका एलसीएम ले लेता हूं तो इन दोनों को ऊपर लेकर चला गया, जो कि इस तरह से लिख दिया, तो नीचे क्या आ जाएगा? 1 को मैं इससे गुणा करूंगा तो 1 + cos²θ, और sec को अगर इससे करूंगा तो sec²θ +1, ठीक है, और +1। अब यहां पर मेरे को दिख रहा है ना, जैसा कि आपको भी दिख रहा होगा, कि सर प्रतीत होता है कि यहां 2 1 और 1 2 हो गया, और ये भी क्या आ रहा है? cos² और sec², और प्रतीत होता है सर यहां भी 1 और 1 2 हो गया, और ये भी क्या आ रहा है? cos² और sec², तो ये कट गया, तो 1 + 1, तो आंसर कितना आ गया? 2 आ गया। अब जो मजा 45 डिग्री पुट करने में नहीं था, जो मजा इसे सॉल्व करने में है, वाकई में ठीक है। चलिए नेक्स्ट। बस से यात्रा करते हुए एक पुरुष ने पाया कि बस ने 1 मिनट में 29 विद्युतीय खंभों को पार किया, और 2 खंभों के बीच की दूरी 50 है, तो बस की गति बताओ। क्या सॉलिड क्वेश्चन है? देखिए, अब 29 विद्युतीय खंभों को पार कर रही है तो दूरी कितनी तय करेगी? हमेशा याद रखिए, दूरी होती है n-1 * उनके बीच की दूरी। तो डिस्टेंस कितनी कवर हो जाएगा? 29 - 1 यानी कि 28, बीच की दूरी 50 मीटर। तो 28 * 50 आप करेंगे तो 28 * 5 = 140 होता है, यानी कि 1400। 1400 मीटर किसमें? 1 मिनट में। तो 1400 मीटर 1 मिनट में तय करते हैं, तो अगर मैं इसको घंटे में कन्वर्ट करता हूं और इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करता हूं, तो किलोमीटर को कन्वर्ट करने के लिए 1000 का तो भाग दे दिया, और यहां 60 का भाग दे दिया। तो यहां से हम इसको सॉल्व करेंगे, 2 0 से 2 0, 0 से 0, तो 14 6 84। नेक्स्ट।
अजीत कह रहा सर डेली प्रैक्टिस होती है। अजीत आप डेली आते हो यहाँ पर? इतने बजे आप 8 बजे डेली देखते हो? अजीत आपसे पूछ रहा हूँ। चलिए आज हाफ सेंचुरी हो चुकी है इस फेज की, है ना, बाकी तो कितने दिन से चल रहा है। एलईडी लाइट्स की एक पट्टी में 50 नीले, 60 लाल और 60 पीले और 80 आपके व्हाइट एलईडी बल्ब लगे हुए हैं। यदि 10% नीले और सफेद, 20% लाल और पीले दोषपूर्ण है तो दोषपूर्ण बल्बों का कुल प्रतिशत क्या होगा? देखो दोस्तों मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 50 ब्लू, 60 रेड, 60 येलो और 80 व्हाइट। सो बेसिकली क्या बोला जा रहा है, 10% नीले और 10% सफेद। तो 10% नीले का मतलब 5, 10% सफेद का मतलब 8, 20% लाल 12 और पीले 12। तो 12 और 8 20 और कितने हो गए टोटल 37। किस में से ये, है ना, 17 और 20 37, कितने में से? 60 और 50, 110, 110 और 170, 250 में से। तो सॉल्व करेंगे, 25 दाई के 100, मतलब 25 दाई के 250, 25 चौके 100, 37 × 4 कितना होता है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि 74 का डबल हो जाएगा ना। नेक्स्ट, ये डेली होती है डियर, है ना, आप आओगे भी नहीं तो भी ये क्लास चलेगी, है ना जी। आज क्लास क्यों नहीं है 12:30 बजे की? भाई हमने तो ली है, आप कब पहुंचोगे पता नहीं, सुबह की ली हुई है हमने तो 12:30 बजे वाली। अगर मेरी कोई क्लास नहीं होती है तो कोई भी नहीं होगी, होगी तो सारी होंगी, ध्यान रखना बस, है ना। और कभी ऐसा होता नहीं है, बहुत रेयर केस में होता है। देखिए तो यहां बोलिएगा क्या करना है, बोले 33 × 66 इस 66 के कैसे आया, 2 का 33 से गुणा करना है, 66 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिनका डिफरेंस 5 आ जाए। बोले क्या होंगे सर? बोले 11 और 6, नहीं, 11 और 3, नहीं, फिर 11 और 6 चलेगा? हाँ चलिए, तो ये हो गया। और यहां माइनस डोमिनेट कर रहा है तो यहां प्लस वाला और यहां माइनस वाला, तो यहां पर √2 भी करना होता है। और ये आपके हो गए मूल एक्स की वैल्यू, तो आपके फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2x-11 एक फैक्टर हो गया, दूसरा हो जाएगा 2x+6, जिसको हम बोल सकते हैं x+3 भी बोल सकते हैं, राइट। सो यहां पर अपना आंसर कितना आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। नेक्स्ट, हाँ संजीव वो कंप्लीट हो गई है। दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 8 है और उनमें से संख्या में से 45 घटाया जाता है तो अंकों की स्थिति बदल जाती है। आप एक चीज मैं बत पूछू आपसे, आपको एक कॉमन सेंस वाली बात बताऊं कि जब आप संख्या में 45 घटाओगे तो जो हमारी मूल संख्या होगी वो बड़ी होगी या छोटी होगी? बड़ी होगी मूल संख्या, क्यों? क्योंकि इसमें से कुछ आप घटा रहे हो तो यानी कि ये बड़ा है, तभी तो छोटा निकालना है, कॉमन सेंस है। यस, अंकों का योग 8 आना चाहिए, तो यहां पर नन वाला नहीं जाएंगे आप। अब आपको देखना है कि 45 घटाएगा तो कभी भी डिफरेंस वाली चीज आती है तो वो किसके मल्टीपल में होती है, 9 के मल्टीपल में। तो यानी कि अंकों का अंतर डायरेक्टली आप कह सकते हो 5 होना चाहिए। सी आंसर हो गया, ठीक है।
ए क्यूब, एक बच्चा कह रहा है सर 83 क्यों नहीं, 83 यार घटाने पर 38 आ रहा है क्या, देखना 45 घटाने पर 38 आ रहा है क्या, बताओ आ रहा है। ठीक है, ये बोला जा रहा है कि दोनों अंकों की संख्या का, दोनों दो अंकों की संख्या उसके अंकों के योग का 8 गुना है, तो क्या 11 का 8 गुना है, नहीं। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है सर, ए क्यू माइनस का बी क्यू क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये किसके बराबर हो गया, ए माइनस बी के, तो ए माइनस बी हो जाएगा 0.4, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, राकेश आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सीएचएसएल का पेपर एकदम हलवा आता है, और इनको अगर कर लिया ना आपने तो आप फोड़ कर आओगे, पता है आपको, पता भी नहीं होगा लेकिन अब पेपर फूटेगा। ठीक है चलिए, अंजना ने 4 काली और कुछ सफेद गेंद खरीदी हैं, काली गेंद की कीमत सफेद गेंद की कीमत का 5/2 है, ठीक है, तो काली गेंद की कीमत सफेद गेंद की कीमत का 5/2 है, तो ब्लैक बॉल और व्हाइट बॉल का जो रेशो आ रहा है वो 5/2 है, तो 4 काली हैं और कुछ सफेद हैं। अब बिलिंग के समय क्लर्क ने गलती से गेंदों की संख्या को बदल दिया, उसके कारण बिल की राशि में 50% की वृद्धि हो गई, तो सफेद गेंदों की संख्या बताइए, क्वेश्चन एक नंबर है। ठीक है चलिए, एक बच्चा कह रहा है मेंसुरेशन समझ में नहीं आती, सर मुझे मेंसुरेशन समझ में नहीं आती, कैसे समझ में आएगी, पढ़ना पड़ेगा, सुबह 11 बजे वाली क्लास मेरी चलती है ना, एक बार जाकर पढ़ो। तो अब ये देख रहे हैं हम, इस तरह का क्वेश्चन है सर, तो यहां पर इसकी प्राइस मैंने मान ली 5 और इसकी प्राइस कितनी हो गई 2, ठीक है, अगर मैं बात करना चाहता हूं 4 काली गेंदे हैं, अगर 4 ब्लैक गेंदे हैं तो उनका प्राइस कितना हो जाएगा, 4 × 5 = 20, और अगर हम व्हाइट गेंदों की बात करते हैं तो मैंने मान ली एक्स व्हाइट गेंदे हैं तो 2x, ठीक है, तो आपका बिल कितना हो गया, 20 + 2x हो गया, कोई आपत्ति ना गुरुजी, कोई आपत्ति नहीं है। अब क्या हो रहा है, बिलिंग के समय क्लर्क गलती से गलती कर देता है, तो अब नया नया बिल क्या बना दिया होगा, क्या बना दिया होगा, यहां लगा दी होंगी भैया एक्स, तो आपकी काली गेंदे जो कि 5 रुपए के भाव से है, और 4 आपकी व्हाइट गेंदे जो कि 8 के भाव से, ठीक है, तो जो ये बिल बन रहा है इस पुराने वाली बिल की राशि से कितना ज्यादा है, 50%, यानी कि क्या हम कह सकते हैं कि इसका 3/2 इस 5x + 8 के बराबर है, क्योंकि नया वाला बिल जिसके कारण बिल की राशि में 50% की वृद्धि हो जाती है, यानी कि नया वाला बिल इस पुराने वाले बिल से 50% ज्यादा है। सॉल्व करेंगे 60 + 20, 3 × 6x = 10x + 16, सॉल्व करने पर आ रहा है 4x = 60 - 16, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 15 और 4 11, तो x बराबर 11 हो गया, तो सफेद गेंद की संख्या बताओ, तो 11। मजा आ गया क्वेश्चन में, दिल खुश कर देने वाले प्रश्न है ये लो, ठीक है चलिए नेक्स्ट। सब कुछ क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना, आपके सामने क्या बोला गया है कि ये आपके बार ग्राफ्स आपको दे रखे हैं ए बी सी डी ई एफ जी, उसमें से निकले पंडित जी, यहां पर क्या बोला जा रहा है कि भाई नंबर ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग इन 6 कंपनीज 3/2 क्यों हुआ, ये आपके सामने क्या दुविधा है, इस दुविधा का समाधान ये रहा,
आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़ें, अन्यथा फिर कोई काम का ही नहीं आपके क्वेश्चन ये। क्योंकि क्या होता है, अब किसी को मैं आपको कोई बढ़िया सा मतलब हीरा जवाहरात दे दूं, अब तुम्हें पता ही ना चले हीरा है, तो तुम तो समझोगे ये तो वो है। तो इसलिए अगर आप क्वेश्चन को पढ़ना नहीं जानते हो तो उसकी वैल्यू भी नहीं समझ पाओगे, कारण यही है। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि भाई यदि किसी बीमा अभिकर्ता को BDF कंपनी के सभी कर्मचारियों को बीमा पॉलिसी बेचने का कार्य दिया जाता है तो बताइए कितनी बीमा पॉलिसी बेचता है BDF? 150, 180 और F, तो ये हो जाएगा 600, 750। नेक्स्ट, कंपनी ई में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या कंपनी बी में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या से कितने परसेंट कम है? ई में कार्यरत और बी में कार्यरत से कितना कम है? 120 कम है, ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में? 150 के रेस्पेक्ट में। तो ये कितना निकल कर आ रहा है? 80, एक ही ऑप्शन है बड़ा वाला। यदि कंपनी बी के 20% कर्मचारियों वाले विभाग को कंपनी एफ को बेच दिया जाता है तो अब कंपनी एफ में कुल कर्मचारियों की संख्या बताओ। बी के 20% को कंपनी एफ को दे दो, तो यानी कि 30 को दे दो, तो 420 में 30 जुड़ जाएंगे, 450। मजा आ गया क्या सेशन में? जो भी विद्यार्थी मेरे से, मैं खुद पढ़ाऊंगा, डिटेल में पढ़ना चाहता है ज्योमेट्री और पढ़ना चाहता है CHSL के लिए, अगर ये आपने बैचेस लगा डाला तो लाइफ आपकी जिंगा लाला। अगर लाइफ में एक काम आपको अच्छा करना है तो एक बार फाउंडेशन कोर्स जरूर जरूर पढ़ना, क्योंकि आपको ये बहुत हेल्प करेगा। आप इंडिया का कोई भी एग्जाम अगर देते हो तो यहाँ पर आपको डेफिनेटली ये सब चीजें मिलने वाली हैं जो आपके पेपर में आएंगी। कंप्लीट एंड डिटेल अर्थमेटिक एंड एडवांस मैथ आपको मिलने वाला है, सभी एग्जाम की तैयारी के साथ सभी सब्जेक्ट भी मिलेंगी आपके सामने। बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है इस मंथ आपको कोर्स परचेज करने की। यू कैन ज्वाइन फाउंडेशन कोर्स इन SSC कैटेगरी बाय कोड ऑफ साहिल 10। गेट सब्सक्रिप्शन पर जाइए, 12 और 24 महीने का बैच लीजिए और साहिल 10 कोड लगाकर बेधड़क होकर जुड़कर पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। लाइफ आपकी है, डिसीजन भी आपका होगा और अपॉर्चुनिटी भी आपको ही मिल रही है। जो लोग ग्रैब नहीं करते हैं वो उनको अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर जाती है, ठीक है ना? तो साहिल 10 कोड लगाकर आपको जुड़ना है और बेहतरीन पढ़ाया जा रहा है। आप किसी भी कैटेगरी में जुड़ते हैं तो भी आप इसी कोड के साथ जुड़ सकते हैं। सेशन आपके लिए बहुत बढ़िया लगा होगा आपको, ऐसी मुझे आशा है, और ऐसे ही सेशंस मैं आपको देता रहूंगा डेली बेसिस पे रात को 8 बजे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक आपसे रिक्वेस्ट है कि जो 11 AM पर मेरी सुबह जो क्लास होती है उसे आप जरूर देखें। वहां मैं मेंसुरेशन पढ़ा रहा हूँ, ये वाईफाई स्टडी पर होती है मेरी क्लास, वहां मैं मेंसुरेशन पढ़ा रहा हूँ। और उस क्लास को आप, अगर आप मेंसुरेशन या कोई भी एडवांस मैथ का टॉपिक पढ़ना चाहते हो मेरे से तो आप वहां पढ़ सकते हो, आपको बड़ा मजा आएगा। और जो भी मेरे साथ फाउंडेशन बैच पढ़ना चाहता है वो जुड़ जाए, अनबिलीवेबल कोर्स है, आपको ज्वाइन करते ही पता लग जाएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं थोड़ी देर बाद एनालिसिस में वाईफाई स्टडी चैनल पर। टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।